एफर्ट, एक रन मिलेगा। चौथे ओवर में 45 का स्कोर है। फिर से वाइड का इशारा, एक और रन का इजाफा होते हुए स्कोर के अंदर, स्कोर बढ़ते हुए 46-47 और मैच में रोमांच बढ़ते हुए एक अच्छे स्कोर की तरफ कल्याण पहुंच रहा है। डंकन रोड ने दूसरे टर्फ पर 48 बनाया है और क्रीक एवेंजर्स को 49 चाहिए मैच जीतने के लिए। पावर प्ले का शुरुआत हो चुका है, ओवर नंबर 5। कौन है बॉलर? भावेश, भावेश आ रहे हैं पांचवा ओवर लेके। मैच पावर प्ले का स्टार्ट, मैच एक बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचते हुए कल्याण की टीम और कंसोलिडेट कर रही है। सिंगल वहां पर चुराना बहुत ही डेंजरस हो सकता था, रन नहीं था वहां पर, हालांकि नौ बॉल का फायदा मिल गया है। ये गेंद फिर से वाइड की तरफ, आज अंपायर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और एक वाइड का इशारा, स्टंप पे बॉल करनी चाहिए ऐसा मैं समझता हूं। स्कोर 50 और हाफ सेंचुरी की तरफ पहुंच गए हैं कल्याण की टीम। 50 रन, कल्याण टीम 50 रन। ये गेंद टर्न खाती हुई, पांचवे ओवर की दो तीसरी गेंद फेंकने जा रहे हैं। ये गेंद उठा के मार दिया सीधा हाथ के अंदर और इसी के साथ ये रन आउट। ये नो बॉल था लेकिन नो बॉल पे रन आउट हो सकता है, बैट्समैन क्रीज के बाहर थे जब बॉल लगी और उन्हें आउट दिया जाता है और ये नो बॉल था लेकिन नो बॉल पे रन आउट हो सकता है लिया जाए, इसलिए बैट्समैन रन आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन आ रहे हैं बैटिंग करने जिनका नाम सागर है और मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। कभी कल्याण डोमिनेट कर रहा है, कभी रिद्धि बाथवे डोमिनेट कर रहा है। उठा के मार दिया ये बॉल, लॉन्ग ऑन पे रोक दिया गया है, गुड थ्रो सीधा बैट्समैन के। दो गेंद और बाकी है पांचवे ओवर में। स्कोर स्कोर में एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा डाउट है।
एग्जैक्ट 50 रन, पांच करने माइनस करने के बाद, पांच रन माइनस करने के बाद अब स्कोर एग्जैक्ट 50 हो गया है। ये गेंद पटकी हुई लॉन्ग ऑन की तरफ पहुंचती हुई फील्ड कर ली गई है, एक रन का इजाफा। और अब इसी के साथ ये आखिरी ओवर की शुरुआत, छठा ओवर। और हितेश जी आ रहे हैं रिद्धि बाथवर की इस तरफ से अंतिम ओवर को डालने के लिए। पांच ओवर के बाद 52। ये गेंद स्पिन हुई और सीधी गई एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 52। बॉल फील्ड कर लिया गया है और एक रन का इजाफा और हुआ है, स्कोर बढ़ के 54 हो गया है। चार गेंद बाकी अंतिम ओवर में। स्पिन होती हुई गेंद, ऑफ द राइस खेल दिया, एक रन, रन आउट का प्रयास, लेकिन बैट्समैन पहुंच चुके थे। अच्छी गुड लेंथ पर स्पिन बॉल करते हुए हितेश भाई, एक रन का इजाफा और। ये गेंद और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से हो गया है। फुल टॉस बना के मारा है, बहुत फील्ड कर ली गई है, सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। लास्ट बॉल और ये आखिरी गेंद रिद्धि कल्याण की टीम की, उठा के मारा है और ये सिंगल का इजाफा हुआ। एक बहुत ही अच्छा हितेश भाई ने ऑर्डर डाला है रिद्धि बहादुर की तरफ से और कल्याण टीम का अंतिम स्कोर 59। 60 रन की आवश्यकता, यानी 10 के एवरेज से खेलना है रिद्धि बाथवर को मैच जीतने के लिए। और रिद्धि बाथवर ने की तरफ से अभी बैटिंग की शुरुआत होगी। कल्याण की टीम ने 59 रन्स बनाए हैं, यानी एक 10 का एवरेज किया है और इस मैच में एक अच्छा रोमांच होगा, अच्छा ऐसा लग रहा है।
और आशीष कल्याण की तरफ से पहला बॉल डालने जा रहे हैं। अफजल भाई यहां से बैटिंग कर रहे हैं रिति बाथवेर की तरफ से। 6 ओवर 60 रन की शुरुआत, पहली गेंद और ये गेंद बैट्समैन ने खेला है। अफजल भाई मैच को परखते हुए, पिच को परखते हुए अब ये गेंद आ रही है, दूसरी बॉल, और घुमा के मारा है लेकिन रन नहीं मिलेगा। रन नहीं मिलेगा, दो गेंद हो गई है, दो गेंदे हो गई हैं। YouTube पर भी ये मैच लाइव जा रहा है, लाखों लोग, हजारों की संख्या में लोग मैच को लाइव देख रहे हैं। और ये गेंद सिंगल रन का खाता खुला रिद्धि बाथवेर का, एक रन का इजाफा। बहुत ही डिसेप्टिव बॉलिंग एक्शन है बॉलर का, आखिरी मोमेंट तक भी पता नहीं चलते बॉल कौन सी डालने वाले हैं, पीछे छुपा के रखते हैं और एंड मौके पर बेन को स्पिन कर देते हैं, जिससे समझ में नहीं आता कि बॉल ऑफ स्टंप की तरफ जाएगी या लेफ्ट स्टंप की तरफ। और ये गेंद सिंगल ले लिया है, की अगली गेंद, फिर से वही डिसेप्टिव एक्शन, उठा के मारा है, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग का मुजाहरा आशीष भाई द्वारा। उठा के मार दिया है और ये कैच हो सकता था, कैच छूट गया। बहुत अच्छा प्रयास वहां पर की समाप्ति तक, केवल 3 रन पहले ओवर की समाप्ति पर, इससे तो एवरेज बढ़ता जाएगा। अगले ओवर में कम से कम 15 से 20 रन आने चाहिए रिद्धि बाथवेर की तरफ से, नहीं तो इस मैच में धीरे धीरे एवरेज बढ़ता जाएगा। केवल ये ओवर में कम से कम 15 से 20 रन आने चाहिए, नहीं तो एवरेज बहुत पीछे हो जाएगा। कल्याण की तरफ से बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और ये गेंद बल्लेबाज को रूम नहीं दे रहे हैं, ना ही लेंथ दे रहे हैं, ना फ्लाइट दे रहे हैं, गुड लेंथ बॉल कर रहे हैं। बॉलर को फील्डर से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी शानदार फील्डिंग हो रही है। दूसरे ओवर की भी 3 गेंदे हो चुकी हैं, अब तक सिर्फ 4 रन हुआ है, बहुत जल्दी स्कोर बोर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। ये मार दिया उठा के और ये लगा RAK 6, ये लगा RAK 6, 6 रन की मदद से स्कोर 10 पे पहुंच चुका है। इस वक्त की जरूरत है, स्कोर बोर्ड टिक होना चाहिए, बैट्समैन को स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए और एक RAK 6 इन 12 रनों से मैच में फिर से रोमांच बढ़ता हुआ, रिद्धि बाथवेर फिर से मैच में आता हुआ। कितना होगा, 2 ओवर में 16 रन, एवरेज की तरफ पहुंचते हुए हर ओवर में 10 रन चाहिए।
कल्याण की टीम फिर से मैच में कोशिश करती हुई आने के लिए। ये गेंद सिंगल ले लिया है, ये मैच में करता हूं फिर आप करना। और स्कोर बढ़ता हुआ 17 की तरफ, दो ओवर में जेके बैटिंग कर रहा है और रिद्धि बाचर फिर से मैच में आता हुआ। कल्याण की टीम की शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग की वजह से वो भी मैच में बने हुए, मैच में रोमांच बना हुआ। और ये गेंद इसको सीधा मारा है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रयास, एक रन ले लिया है, दूसरा रन भी दौड़ के ले लिया है। रिद्धि बाचर की तरफ से रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी हो रही है, कल्याण की तरफ से फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैच में बराबर रोमांच बना हुआ है। ये मैच भी पिछले मैच की तरह आखिरी बॉल तक जाएगा ऐसा लग रहा है। और ये गेंद ये लगा आरके सिक्स और ये शानदार छक्का, इसकी बदौलत ये एवरेज कंप्लीट करते हुए रिद्धि बाचर। ये गेंद वाइड का इशारा हो सकता है, हो गया है। और ये लगा और एक रन ले लिया है, जेके और अफजल की शानदार रनिंग की वजह से ये स्कोर बढ़ता हुआ 3-0। दो ओवर में 30 रन, दो तीसरा ओवर चालू है, 30 रन का स्कोर हो चुका है, 30 स्कोर कोड 30 तक पहुंच चुका है और एक रन का और इजाफा होता हुआ तो एग्जैक्ट 30 रन हो चुके हैं। और ये पहला विकेट गिरता हुआ रिद्धि बाचर का शानदार बैटिंग करने के बाद। अफजल भाई फिर से पहुंच रहे हैं ग्राउंड में, बाहर आ गए हैं बैट्समैन ग्लोकंड 31, 30 रन। बैट्समैन गर्मी से परेशान होके थोड़े डिहाइड्रेट हो गए, उन्होंने ग्लूकोन डी लिया है और फिर से वो पहुंच गए हैं अपने क्रीज पर। और मौलिक जी आए हैं नए बैट्समैन, ग्लूकोन डी और एनर्जी ड्रिंक का पूरा यहां व्यवस्था और बंदोबस्त किया गया है, जिसको भी पीना है पी सकते हैं। और ये गेंद को उठा के मारा है और ये लगा आरके सिक्स, मैच में बराबर रोमांच बना हुआ है। तीन ओवर हो गए, तीन ओवर के बाद 36 स्कोर है, अगले तीन ओवर में 24 रन चाहिए जीतने के लिए। एवरेज जिसे कहते हैं आखिरी गेंद, क्रिकेट में एक कहावत है कि जब तक आखिरी बॉल बॉलिंग नहीं जाली जाती मैच का फैसला नहीं होता है, और लग रहा है कि ये बॉल मैच भी वहीं पर तक पहुंचेगा। तीन ओवर में 36, चौथे ओवर की शुरुआत। और ये गेंद वाइड करार दी जाएगी, और ये तो बहुत बड़ा वाइड था, बॉलर विकेट टू विकेट बॉल रखे तो मजा आएगा। बॉलर थोड़े नर्वस से लगते हुए बॉल को स्टंप पे रखे, एक रन मिल का इजाफा हो जाएगा। क्रिक एवेंजर्स का विजय हुआ है, दूसरे टर्फ पे वो जीत गए हैं। और ये
एक रन का इजाफा स्कोर में होते हुए